लास्ट टाइम तक हमने डिफरेंशिएशन के अंदर अभी तक क्या किया, u इंटू वी, यू बाई वी, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अब आज डिफरेंशिएशन के दो फॉर्मूलाज और जो हम करेंगे, उनमें से पहला फॉर्मूला लॉग का फॉर्मूला है। लॉग, लॉग की जो टर्म्स हैं या जो लॉग है ये कहाँ यूज होता है एग्जैक्टली, ये आपको मैथ्स के टीचर बहुत डिटेल में बताएंगे। हमें उतना ही सीखना है जितनी रिक्वायरमेंट है, तो लॉग काफ़ी बड़ी चीज़ है, लॉग्स एंड एक्सपोनेंशियल्स, हम उस बड़ी चीज़ में तो नहीं जाने वाले। लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ, और आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। लॉग के बहुत पर्पज़ हैं, लॉग बहुत यूज़ होता है, लॉगरिथमिक स्केल्स चलते हैं जिसमें हम चीज़ों को आसान करते हैं। द पॉइंट इज़ कि जैसे सपोज करो, आपने सुना होगा कि लॉग टेबल्स आते हैं, आपको वैल्यूज देखनी होती हैं लॉग टेबल्स से। आप कोई भी फिजिक्स की या मैथ्स की या केमिस्ट्री की बुक लेंगे, उसके पीछे बने होते हैं लॉग टेबल्स। कैलकुलेटर के ऊपर बना होता है लॉग, ई रेज टू पावर या लॉग, ऐसा कुछ लिखा होता है। जैसे सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन है जिसमें 5555 इनटू 787878 डिवाइडेड बाय 9999 डिवाइडेड बाय 8888। अब ये कैलकुलेटर के बिना तो आप नहीं कर सकते, बट मैं चाहता हूँ कि आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, एक्यूरेट वैल्यू निकालें और बिना कैलकुलेटर के, तो वहां पर काम आएंगे आपके लॉग टेबल्स। मतलब कैलकुलेशंस को बहुत इजी बना देते हैं बिना कैलकुलेटर के। सिर्फ वही नहीं, जैसे सपोज करो आपको वैल्यू निकालनी है, मान लो 8888 रेज टू पावर 22। अब बोलो इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, मुझे बताओ, नहीं निकल सकती। कैलकुलेटर के अंदर भी इतने जीरोस आ नहीं पाएंगे, इतने डेसिमल। लॉग टेबल आपकी कैलकुलेशंस को बहुत आसान कर देंगे और बहुत इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक। तो कहीं ना कहीं जिसने लॉग टेबल्स बनाए या लॉग बनाया, कुछ तो फायदा हुआ ही है, बट वो क्या फायदा हुआ हमें नहीं देखना। हमें लॉग की एप्लीकेशन जब आएगी तब की तब देखेंगे। आज की डेट में हमें क्या करना है, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो आपको जरूर पता होनी चाहिए फिजिक्स में, जो आपको बताने वाला हूं, जिसके अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि लॉग ऑफ, जैसे मुझे 5 देखना है, जैसे हम साइन ऑफ 30 डिग्री देखते हैं, साइन टेबल, साइन के टेबल चाहिए, कॉस ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू, ऐसे लॉग ऑफ 5, लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 10, कुछ भी नंबर का लॉग देखना आ सकता है। तो जैसे लॉग ऑफ 5 की वैल्यू मुझे देखनी है, अब लॉग की जब भी वैल्यू देखी जाती है या लॉग जब भी किए जाते हैं, तो लॉग का एक बेस होता है। बेस का मतलब होता है इसके पैर में एक नंबर होता है, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, जैसे log 5 टू द बेस 2, log 5 टू द बेस 10, log 5 टू द बेस 5, log ऑफ 5 टू द बेस, या कुछ भी बेस नहीं है, ठीक। ये बेस क्या काम करता है, ये भी बहुत डीप बात है, ये भी मैथ्स के टीचर ही बताते हैं, हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बस हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि log का कोई बेस होता है। हमें नहीं चाहिए फिजिक्स में ये बेस, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब लॉग के बारे में बता रहा हूँ तो लॉग के बारे में इतना तो बता दूँ कि लॉग की कुछ बेस होते हैं, लॉग का कोई नंबर है, जैसे लॉग ऑफ 7 देखना है, और बेस कुछ भी हो सकता है। जो मार्केट में लॉग टेबल्स आते हैं उसमें कुछ वैल्यूज लिखी होती हैं, जैसे आप एक टेबल अगर खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा लॉग 2 की वैल्यू इज 0.3010, मुझे एक ही वैल्यू आती है, और एक ही वैल्यू फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो लोगों को, स्टूडेंट को भी याद होती है, क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो बार बार लॉग टेबल ना देखने पड़े तो लॉग 2 के ऊपर ही क्वेश्चन देते हैं बस, और मुझे कुछ नहीं आता। आप सोचो कि सर को लॉग टेबल भी आते हैं, नहीं मेरे को टेबल याद नहीं, उसमें हजारों वैल्यूज हैं, बस मेरे को इतना ही 0.3010। तो ये वैल्यू लॉग वैल्यू टेबल से देख के मैंने लिखी। अब अगर मैं लॉग 5 देखता हूं टू द बेस 2, लॉग 5 देखता हूं टू द बेस 10 या टू द बेस 5, कोई भी बेस चेंज करता हूं तो मेरी वैल्यू भी चेंज होती है। तो लॉग ऑफ अ नंबर 5 विद अ डिफरेंट बेस विल गिव डिफरेंट वैल्यूज। पर अगेन ये बात डीप में जाने वाली है कि बेस करता क्या है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो हम नहीं करने वाले। हम सिर्फ ये करने वाले हैं कि लॉग टेबल जो मार्केट में मिलते हैं जिसकी वैल्यू देखी जाती है, उसका स्टैंडर्ड बेस लिया जाता है 10। तो जितना भी लॉग की कैलकुलेशन है जो लॉग टेबल से की जाती है, उसका बेस ना 5 होगा, ना 7 होगा, ना कुछ नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड बेस क्या रखते हैं, 10, राइट। तो लॉग टेबल अपना बेस क्या मान के चलेंगे, 10। कोई डाउट इसमें?
तो एक तो ये चीज पता होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि log of 2 देखना है, या आप मैथ्स कर रहे हो या फिजिक्स कर रहे हो, log का बेस ही नहीं है, लगाना नहीं भूला वो। जिस log का कोई बेस नहीं है तो उसका बेस बाय डिफॉल्ट 10 नहीं होता, उसका बेस बाय डिफॉल्ट e होता है। e का मतलब होता है मैथ्स में कांस्टेंट है 2.7 जिसकी वैल्यू है, तो मैथ्स के लोग टू द बेस e मान के अपनी कैलकुलेशन करते हैं। लॉग टेबल जो फिजिक्स में हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं टू दी बेस 10 चलते हैं, लेकिन वैसे अगर कोई बेस नहीं गिवन तो टू दी बेस बाय डिफॉल्ट 10 नहीं होता, टू दी बेस क्या लिया जाता है, ई लिया जाता है। ई भी कोई नंबर है, ठीक। और मैथ्स के लोग इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एन फॉर नेचुरल, एल फॉर लॉग। नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग्स का बेस बाय डिफॉल्ट क्या होता है, ई। तो जब उसने नेचुरल लॉग लिख दिया ना, तो अंडरस्टूड है बेस लगाने की जरूरत नहीं है, बेस क्या चल रहा है, ई। तो उसने स्ट्रेट वे क्या लिख दिया, एल ओ जी की जगह एल ऑफ एन लिख दिया, मतलब इसका बेस ई है। तो ये टर्म्स मैथ्स में और इसमें यूज होती दिखेंगी आपको कुछ टाइम के बाद। तो सबसे पहली चीज ये लॉग की ये प्रॉपर्टी समझ में आई कि लॉग का कोई बेस होता है। हम किसी भी बेस में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे लिए बेस या तो 10 होगा अगर आपको लॉग टेबल्स देखने हैं, या फिर अगर कुछ नहीं गिवन हो तो लॉग का बेस क्या चलेगा, ई चलेगा। हम अभी के लिए कोई बेस का चक्कर डालेंगे ही नहीं, हम बेस को यूज नहीं करने वाले अभी। जिस दिन करना होगा उस दिन मैं क्लास में बताऊंगा, फिलहाल तो मुझे बिल्कुल भी लॉग नहीं चाहिए, राइट। वो तो मेरी मजबूरी है कि कैलकुलस के अंदर लॉग आ रहा है, अब मेरे को थोड़ा बहुत तो लॉग के बारे में बताना चाहिए, इसलिए थोड़ा बहुत बता रहा हूं, पर अभी टाइम नहीं आया कि लॉग को पूरा डिटेल में डिस्कस किया जाए, ठीक है। यहां तक जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन पूरा लॉग पूरा डिस्कस भी कर दूंगा। अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को दो तीन लॉग की बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो बतानी है, जो मैं चाहता हूं कि आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली प्रॉपर्टी लॉग की ये है, लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी विल गिव लॉग ऑफ ए इंटू बी। ये मैथ्स का रूल है कि अगर आप मान लो कोई नंबर लेते हो, जैसे एग्जाम्पल है आप log of 2 लेते हो, और हाँ अगर इसका बेस मन में 10 माना है तो इसका भी 10 है, फिर इसका भी 10 है, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। या इसका e है तो इसका e, मतलब बेस रिमेनिंग दी सेम, बेस चेंज नहीं करना तो ही प्रॉपर्टी चलेगी। तो मैंने बेस की बात ही नहीं की, मेरा बेस जो मर्जी मान लो तो ये प्रॉपर्टी वैलिड है। तो इसके अंदर log of 2 प्लस log of 3 विल गिव log of 2 into 3 कितना, 6। तो अगर आप इमेजिन करो एक लॉग टेबल्स लें, लॉग टेबल में से लॉग 2 की वैल्यू सर्च करें, कुछ वैल्यू आएगी टेबल से देख के आ जाएगी, लॉग 3 की वैल्यू टेबल से देख के आ जाएगी, फिर इन दोनों को ऐड कर लेना और सीधा लॉग ऑफ 6 देख लेना, कोई वैल्यू आएगी, आप चेक करना इन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगी, तभी ये प्रॉपर्टी वैलिड है। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि आप ये दो वैल्यूज को ऐड कर लें या फिर आप अलग से इसे सॉल्व कर लें, बात एक ही है, कोई डाउट इसमें? तो ऐसे ये प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, ये टेस्टेड प्रॉपर्टी है जो मैथ्स वालों ने निकाली हुई है। तो पहली प्रॉपर्टी सबको क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी, अगर मान लो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी। ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर्स के लॉग आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वी कैन राइट लॉग ऑफ ए अपॉन बी। और तीसरी प्रॉपर्टी लॉग की, लॉग ऑफ सपोज ए होल रेज टू पावर एन, लॉग ऑफ ए होल रेज टू पावर एन इज इक्वल टू एन इन टू लॉग ऑफ ए, मतलब ये जो पावर है वो बाहर आ जाती है और लॉग ऑफ ए ये रहा। तो अगर आपको log ऑफ मान लो x मान लो 100 रेज टू पावर 20 निकालना है, तो यू कैन राइट 20 इंटू लॉग ऑफ 100। तो फटाफट आपकी वैल्यूज और कैलकुलेशन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे में आंसर आ जाता है। तो तीन प्रॉपर्टीज आप नोट कर सकते हो, इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े हम इसको यूज करेंगे, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, फिर भी लिख सकते हो, फ्यूचर के लिए काम आएगी। तो तीन प्रॉपर्टीज एटलीस्ट नोट कर ही लो। ठीक, क्या स्टेप क्लियर है? ठीक है, लाइट चला लो, लाइट।
हाँ, जैसे इसका एग्जांपल दिखा देता हूँ, जैसे log ऑफ 100 रेज टू पावर 2 कैन बी रिटन एज 2 इंटू log ऑफ 100, अलाउड है, अलाउड है, ठीक। हाँ जी, कोई डाउट इसमें? ये प्रॉपर्टी क्लियर है सबको? ओके, अब स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंशिएशन। लॉग ऑफ, नेक्स्ट फॉर्मूला डिफरेंशिएशन पे वापस आ जाते हैं। तो फॉर्मूला लिखो, ये फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन के अंदर, डी बाय डी एक्स ऑफ, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स। बेस की जरूरत नहीं है, जो भी बेस है नेचुरल वो ई ही होगा इसमें, लेकिन हम बेस में काम ही नहीं कर रहे, तो जो भी बेस होगा कोई चक्कर नहीं है। तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, लॉग ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू, लॉग किसका निकलेगा, एक्स का। लॉग के अंदर क्या है, एक्स। तो आपने जो भी लॉग की टर्म है वो वन से डिवाइड कर देनी है, तो आंसर आएगा 1/x। तो लॉग ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/x इनटू इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये एक्स यहां भी आएगा, ये एक्स यहां भी आएगा, वो अलग बात है कि डीएक्स बाय डीएक्स आंसर क्या देता है, 1। तो आपका आंसर क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1/x इनटू डीएक्स बाय डीएक्स। फॉर एग्जांपल, डी बाय डीएक्स ऑफ लॉग ऑफ, लेट अस सपोज 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2x प्लस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 1। तो लॉग ऑफ दिस नंबर इज 1/2 नंबर इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेम नंबर। तो ये तो पुराना क्वेश्चन हो गया हमारा। तो आंसर क्या आएगा, 1/2x प्लस 1 इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म। तो 1/2x प्लस 1, तो ये क्या देगा, 2, dx by dx 1 है और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन इज 0, आंसर। तो पॉइंट सबको क्लियर है कि लॉग के क्वेश्चंस को कैसे करना है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ लॉग के, आपको वो ट्राई करने हैं। तो जिनका जिन्होंने ये फॉर्मूला लिख लिया वो प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें। डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स। डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 एंड डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ, ये चार क्वेश्चन आपने ट्राई करने हैं, मतलब 18 कर दूं, 16 कर दूं क्या? अच्छा,
लगेगा। ओके तो ये आपसे जिन्होंने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया अपना आंसर वेरीफाई कर लें, लॉग के आगे जो भी टर्म है वो यहां पर आएगी, सबने ऐसे किया, वन से डिवाइड किया इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग के अंदर जो टर्म है वो यहां पर लिखी, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू, इसकी होल पावर कितनी है, हाफ, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू पावर माइनस हाफ, पावर पे अगर हाथ रखेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन, कोई डाउट इसमें? तो यहां पर वन बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू हाफ इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन होल रेज टू पावर माइनस हाफ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2x और कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0, आंसर। कितने लोगों का ये सही है, ऐसे किया? ठीक, तो लॉग का रूल लगाना आ रहा है सबको। नेक्स्ट में u और v माना, इस पूरी टर्म को u मान लें, इस पूरी टर्म को v मान सकते हैं। ठीक, आप अपना करो साथ साथ, मेरे को टाइम लगेगा ना, आप मेरे से आगे चल रहे हो। तो 1 प्लस log x डिनोमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, कोई डाउट इसमें? u और v का फॉर्मूला सबको समझ में आ रहा है, सबने कर लिया यहां तक? ठीक, अब ये पुराना क्वेश्चन हो गया, तो जिसमें 1 प्लस log ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x, इसको अब अगले स्टेप में करूंगा मैं, माइनस log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, कोई डाउट इसमें? डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, समझ में आया तक? तो 1 प्लस log x, हाँ, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 1 बाय x log x इंटू कॉन्स्टेंट की 0 और log x की 1 बाय x डिवाइडेड बाय 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? आपकी मर्जी है, इसके बाद आप इसे ओपन कर सकते हो, 1 बाय x को इससे मल्टीप्लाई, 1 बाय x को इससे मल्टीप्लाई, फिर 1 बाय x को इससे मल्टीप्लाई, log वाली टर्म शायद कैंसिल हो रही होगी इसमें, हाँ तो जाने दो, x से x ये वाला log का x कभी नहीं कटता, जैसे sin x नहीं कटता, cos x नहीं कटता, वैसे ही log x भी नहीं कटता, ऐसे करना पड़ेगा, पॉइंट समझ में आया यहां तक? log of क्या, log of कुछ भी नहीं, ये कोई टर्म नहीं है, अब घर sin of क्या, कुछ एंगल कुछ नहीं है मेरे पास, तो फिर sin अपने पास ही रखो, sin का कोई काम नहीं, sin of some angle, log of some value, कुछ भी value बोलो, आपकी मर्जी है यार, आप करना चाहो कर दो, पर मैंने क्या कहा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं, या आपने कहीं करके नहीं दिखानी, ये तो मैंने चेक करनी है ना आपकी, मेरे को बस एक चीज से मतलब है, आपको डी बाई डी एक्स हटाना आ गया तो मेरी तरफ से आप पास हो, मेरे को ये नहीं चेक करना आपको कितना अलजेब्रा आता है या नहीं आता, वो बात की बात है, आपको सिर्फ डी बाई डी एक्स हटाना आता है, बस यही मेरा काम है, क्लियर है? इसलिए सिंप्लीफिकेशन का कोई चक्कर नहीं है इसमें, कोई डाउट इसमें? तो लॉग का रूल लगाना आ गया, ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, लॉग हटाना आ गया, लॉग का डिफरेंस का जो डिफरेंशिएशन है, रेट ऑफ चेंज निकालना आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में 3x² + 1 नीचे डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² + 1, क्लियर है यहां तक? तो यही रूल लगाया सबने, और फाइनली इसके अंदर क्या किया, 1/3x² + 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x² + d/dx(1), तो 1/3x² + 1 इंटू 3 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होती है 2x और इसकी 0, 6 है आंसर, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है सबको यहां तक? ठीक, क्लियर है यहां तक? और लास्ट log ऑफ sin x, बोलो 1 के नीचे क्या आएगा, sin x, log के आगे जो भी टर्म है सबसे पहले उठा के यहां रख दो, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ, यहां पे भी रखो, कोई डाउट इसमें? ये रूल सबने लगाया,
log के आगे जो भी term है वो 1 by sin x नीचे आ गया और d by dx of sin x, right? Next है 1 by sin x into sin x का formula क्या होता है? Cos x. Answer cot x. Done. तो log clear. Log में कोई दिक्कत? तो जरूरत पड़े अगर log में तो at least हमें मालूम है कि कहां पर log या अगर log का कोई भी अगर कोई question आता है कल को तो हम solve कर सकते हैं log को, right? तो यहां तक clear है. और last formula differentiation का करते हैं और differentiation को close करते हैं और integration को start करेंगे. थ्योरी नहीं, बस न्यूमेरिकल आते हैं, मैं ऐसे ही बताऊंगा. बस करें स्टार्ट लास्ट फॉर्मूला. देखो फॉर्मूला लिखो. Formula int, sorry, differentiation of integration कह रहा हूँ. Differentiation of e क्या आंसर देगा? Zero, because e is a differentiation of e की पावर x. X is not a constant. E की पावर one भी हो सकती है, two भी हो, कुछ भी हो सकता है. तो e की पावर x. इसका आंसर is e की पावर x itself. Formula तो मैं ऐसा याद ही नहीं करना. e की पावर x का फॉर्मूला का आंसर e की पावर जो क्वेश्चन है वही आंसर है. ठीक. लेकिन लेकिन d by dx of e की पावर क्या है? x. इसको तो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एंड में. वो अलग बात है कि इसका आंसर 1 है. फॉर एग्जांपल न्यूमेरिकल ऐसा आएगा d by dx of e raised to power x square plus 1 will give e raised to power x square plus 1 into d by dx of x square plus 1. क्लियर यहां तक? तो यहां से e raised to power x square plus 1 into d by dx of x square क्या है? 2x और constant differentiation is 0. आंसर. पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट इसमें? नहीं, हो सकता है पर वो नहीं करना, हमने नहीं करना. हो सकता है e की पावर फिर ना उसमें एक log का एक फॉर्मूला लगता है, वो कभी यूज नहीं होगा 2 साल तो मैं करवा नहीं रहा, वो मैथ्स के टीचर अपने आप करवा देंगे. log of आएगा नहीं, ये भी नहीं आता, ये भी कम यूज होता है. मतलब ये जो दो फॉर्मूलाज है ना डिफरेंशिएशन के, ये यूज नहीं होते. मैंने वैसे बता दिया आपके नॉलेज के लिए, पर इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा नहीं है. ठीक है, कभी साल में एक बार यूज हो भी गया तो मुझे फॉर्मूला साथ में लिखना ही पड़ता है कि देखो हमने किया था, भूल चुके हो, तो साथ में मुझे फॉर्मूला रिवाइज करवा के करवाना पड़ता है. इसलिए इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है इसकी. ठीक. ये यूज कहां होगा बता देता हूं. जो एडवांस में जाएंगे, एडवांस के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सपोनेंशियल लॉग में ज्यादा चलते हैं. उन्हीं की आदत है ये दोनों को उठाने की. नॉर्मल तो क्वेश्चन नहीं चलता, नीट और उसके अंदर तो मुश्किल है. लॉग और एक्सपोनेंशियल्स को अवॉइड करते हैं, लेकिन फिर भी उनको नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं लॉग के ऊपर भी. तो इतना हमें हम कर लेंगे कि आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा. तो क्लोज करें डिफरेंशिएशन. तो डिफरेंशिएशन यहां पर क्लोज और बस यहीं तक करेंगे. और ये डिफरेंशिएशन एटलीस्ट 2 साल तक जितना भी हम काम करेंगे मोर देन सफिशिएंट है. ठीक. जो लोग रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं वो प्लीज इंटीग्रेशन के फोल्डर में जाएं. आप